हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं अगेन बोलूँगी कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बॉयज़ बहुत सारे गर्ल्स का मैसेज ईमेल्स आते हैं कि सुगम हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हम जो अपनी हेयर की ग्रोथ है उसे कम कर सकें। मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले एक इंस्टेंट हेयर रिमूवल स्प्रे की बात की थी। जी हाँ, मैं यहाँ किसी क्रीम नहीं स्प्रे की बात कर रही हूँ, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने वो जो है वीडियो अपलोड किया था। मैं लिंक नीचे दे दूंगी, जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो। कि आप कहीं भी हो, ऑफिस में किसी भी मॉल में, आपको लग रहा है, कभी कभी हमारी नज़र घर में नहीं पड़ती है लेकिन बाहर पड़ती है तेज रोशनी में, कि यहाँ पे तो हेयर्स हैं और हमें काफ़ी अजीब सा लगता है। तो वो अगर हेयर स्प्रे आपके पास है, आपने पर्स में रखा है, फटाफट से स्प्रे किया, 5 to 7 मिनट रुके और उसके साथ आपको जो है वाइप्स भी दी गई हैं, पोंछ दिया और आप रेडी हैं कहीं भी जाने के लिए। या फिर मैं अगर दूसरे इसमें बोलूँ तो, अगर आप ऑफिस में हैं और आपको ऑफिस के तुरंत बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, तो वो उसका भी काफ़ी अच्छा तरीका है वो स्प्रे, तो उसका वीडियो नीचे दे दूँगी। लेकिन आज मैं जिस प्रोडक्ट को लेके आई हूँ वो है आपके हेयर को ग्रोथ को कम करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप वैक्सिंग करा रहे हैं या जिनकी हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, उसका उपाय आज मैं लेके आई हूँ कि पूरी तरह से आपके हेयर्स आना बंद हो जाएंगे। वैक्सिंग आप करा रहे हैं तो उसके बाद अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके हेयर्स को पूरी तरह से आना रोक देगा, हेयर ग्रोथ ही नहीं होगी, और जिसकी वजह से वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा फील होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपको बार बार वैक्सिंग और हेयर रिमूवर क्रीम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि ये चीज़ मनी से रिलेटेड तो है ही है, टाइम टेकिंग भी है। जैसे कि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पार्लर नहीं जा पाती थ्रेडिंग बनवाने, अपर लिप्स बनवाने या फिर वैक्सिंग कराने, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना हो, चाहे जितनी बड़ी पार्टी में हो, मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन उस हेयर रिमूवर स्प्रे की वजह से अब मुझे इस चीज़ से काफ़ी रिलीफ हो गया है कि मुझे वैक्सिंग के लिए नहीं देखना पड़ता है, लेकिन थ्रेडिंग के लिए आज भी काफ़ी टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर आपके पास आफ्टर हेयर रिमूवर स्प्रे है जिससे कि आपको हेयर्स आने की प्रॉब्लम देर हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए अभी आप अपनी थ्रेडिंग 15 से 20 दिन में बनवाते हैं और अगर उस हेयर स्प्रे को आप यूज़ करेंगे तो वो बढ़ जाएगा 40 दिन या फिर 30 दिन 35 दिन, जैसे कि आप उसको लगाते रहेंगे, थोड़ा सा टाइम टू टाइम आप उसे अप्लाई करते रहेंगे तो वो डे बाई डे भी बढ़ता रहेगा। तो उसका फुल डेमो मैं आपको आगे दूंगी, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, आई होप आपको भी पसंद आएगा। और मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है इन दो प्रोडक्ट से। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आफ्टर हेयर रिमूवर स्प्रे। आज जिस पे मैं बात करूँगी वो है न्यूड आफ्टर हेयर रिमूवर लोशन का। तो जी हाँ, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि किस तरह से आपको यूज़ करना है, प्राइस क्या है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। जिस प्रोडक्ट की बात मैं कर रही हूँ वो है न्यूड का आफ्टर हेयर रिमूवर लोशन, जो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और आपको कब यूज़ करना है, वैक्सिंग एंड हेयर रिमूवर क्रीम के बाद, ये दोनों सारी चीज़ें इसमें मेंशन हैं, और काफ़ी आपके मॉइस्चराइज रहेगी, स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज रहेगी। और क्या प्राइस है वो चीज़ भी मैं भी आपको बताऊँगी, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं पैकिंग आपको दिखाना चाहूँगी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मुझे एवरटीन के वेट एंड ड्राई प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं इन्हें हमेशा यूज़ करती हूँ। तो ये है, और सारी चीज़ें आपको लिखा है। और मैं अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो फुली नेचुरल है, जैसे कि मैं बोलती भी हूँ कि इनकी कंपनीज के मुझे जो भी ये इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो काफ़ी पसंद है। तो वो है एलोवेरा जेल, जोजोबा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, लेवेंडर ऑयल, क्लो ऑयल, विटामिन ई, मैंथॉल और एल्कोहल, मतलब इस तरह से जितनी भी ग्लिसरीन है, तो जितनी भी चीज़ें हैं जो मतलब कॉमन है, मैं आपको उनको नाम बता रही हूँ। एक दो हैं जो आई थिंक नहीं समझ पाएंगे आप, तो मैं उनके नाम भी आपको नहीं बता रही हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ें, हाउ टू यूज़, सारी चीज़ें इसमें हैं कि अप्लाई मतलब आफ्टर हेयर रिमूविंग क्रीम के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, और सब कुछ मेंशन है। और अगर मैं रेट की बात करूँ तो आप सुन के काफ़ी खुश होने वाले हैं, बिकॉज इसका रेट काफ़ी कम है, 290। तो एक बार यूज़ करना तो बनता है, और इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ।
क्योंकि इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट कोई नहीं देता, और पम्प उसमें है तो आपको लगाने में भी आसानी होगी। और एक जिस प्रोडक्ट की बात मैं कर रही थी, एक बार मैं उसका फिर से आपको बताना चाहूँगी, आफ्टर हेयर रिमूवर स्प्रे जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये स्प्रे बॉटल में है जो मैंने आपको ऑलरेडी यूज़ करके, आपको पहले शेक करना है जहाँ पे भी हेयर स्प्रे करना है वहाँ पे डालना है, और उसके बाद इसमें आपको इस तरह से वाइप्स मिल जाएंगी जो कि आपको पानी में डाल के जस्ट बालों को हटा देना है। तो ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आप पर्स में रख सकते हैं। इस बॉटल को तो आप फ्री होके मतलब अपनी पर्स में कहीं भी साइड में डाल लीजिए और कहीं भी आपको ज़रूरत है तो उसे लगा सकते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक जो है मैं नीचे आपको डाल दूँगी। हेयर रिमूवर स्प्रे फर्स्ट यूज़ करना है, देन आफ्टर हेयर रिमूवर लोशन। तो नाम में ही कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो प्रोडक्ट में कन्फ्यूज़न कहाँ से हो सकता है। और अगर मैं इसकी रेट की बात करूँ तो 290 एंड 290 दोनों का प्राइस सेम है। कॉम्बो में आप मंगवा लीजिए, और आई थिंक मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही चेक किया था क्योंकि मुझे दूसरी बॉटल मंगवानी थी, ऑलरेडी ये बॉटल ख़त्म होने वाली है, तो उसका प्राइस कुछ कम ही था कुछ ऑफर के तहत। तो एक बार आप देख लीजिएगा, और नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ प्रोडक्ट हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा सा फील कराएंगी। और आप अपने आपको जो भी आपको लगता है कि आपके लेग में अभी तुरंत आपको कहीं जाना है, या आपके हैंड्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको उसका डेमो भी दिखाया था और देख सकते हैं कितनी क्लियर स्किन है यहाँ की, तो एक बार इसको लीजिएगा, और सारा लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। फ्रेंड्स देखा, ये न्यूड का आफ्टर हेयर रिमूवर लोशन है। ऑलरेडी मैंने आपको न्यूड की एक रेंज पहले भी दी हुई है, काफ़ी टाइम पहले मैंने उसका वीडियो बनाया था, उसने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया। ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और इस हेयर रिमूवर स्प्रे को भी। तो इन दोनों को आप एक साथ परचेज कर लीजिएगा, आई थिंक आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये आपको हेयर रिमूवर स्प्रे फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है, और उसके बाद आपको ये अप्लाई करना है। तो दोनों को कॉम्बो आप मंगवा लीजिए, बेस्ट तरीका है, और आई थिंक कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और आप अपने टाइम को बेकार करने से बच जाएंगे, मनी को बेकार करने से बच जाएंगे। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।